बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लुबनाज किचन। आज हम बना रहे हैं कॉफ़ी डिलाइट। कॉफ़ी डिलाइट बनाने के लिए हमें चाहिए कॉफ़ी 2 टीस्पून, चॉकलेट 1 बड़ी बार क्रश कर ली है मैंने, आइसिंग शुगर 4 टीस्पून, क्रीम 1 कप, दूध 1/2 लीटर, केक रस 1/2 केजी। अब हम कॉफ़ी डिलाइट बनाना शुरू करते हैं। दूध को पैन में डाल के बॉईल कर लेंगे। अब जब तक दूध बॉईल हो रहा है हम कॉफी को बीट कर लेते हैं। प्याली में हम कॉफी डालेंगे 2 चम्मच, 2 टीस्पून आइसिंग शुगर डालेंगे। ये आप घर में भी बना सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं इसको, बाजार से भी मिल जाती है। अब इसमें 2 टेबलस्पून गर्म पानी, 2 या 3 गर्म पानी डाल के अब इसे बीट करेंगे। कॉफी को बीट कर लिया है, इसको इतना ज्यादा बीट नहीं करना कि इसका कलर चेंज हो जाए। दूध बॉईल हो गया है, अब हम आंच हल्की कर देंगे और ये कॉफी इसमें मिक्स कर देंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते जाएं और थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लें। आंच बिल्कुल हल्की कर लें। अब हम क्रीम को भी बीट कर लेंगे। शुगर जो बाकी हमारे पास बची है वो भी इसके अंदर डाल के इसे भी हम बीट कर लेंगे। क्रीम भी अब अच्छे से बीट हो गई है, अब हम इस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इसे डिश आउट करते हैं। कॉफी तैयार हो गई है, अब हम केक रस को डिप करके डिश में लगाएंगे। केक रस को इसे पकड़ के इसको डिप करके डिश में लगाते हैं। केक रस इस तरीके से लगाने हैं कि इनमें गैप ना रहे। केक रस की 1 लेयर लगा ली है, अब थोड़ा सा कॉफी जो है थोड़ी सी वो इसके ऊपर डालें। केक रस की 1 लेयर लगा दी है, अब इसके ऊपर 1 लेयर क्रीम की लगाएंगे। क्रीम की लेयर लग गई है, अब फिर हम केक रस इसी तरह कॉफी में डिप करके इसके ऊपर 1 लेयर और लगाएंगे।
केक रस की दूसरी लेयर भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे। क्रीम की लेयर लग गई है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर में रखे 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर क्रश की हुई चॉकलेट की कोटिंग करेंगे। मजेदार कॉफी डिलाइट तैयार हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।